ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देयर इज अ वर्स भगवद गीता 13 चैप्टर एंड 23rd वर्स। उपद्रष्टा उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। सो एनीवे मैं तात्पर्य पढ़ूंगा श्रील प्रभुपाद का, बट लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट्स हैपनिंग हियर। बट बिफोर दैट लेट्स ऑफर ओम अज्ञाना तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशतारिणे। ओके, ये श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस श्लोक को पढ़ के कई भक्तों ने भक्ति छोड़ दी। मैं बताऊंगा क्यों छोड़ी है। सो बट वो बताने से पहले इस श्लोक है क्या, ये चर्चा करना है। सो श्लोक है कि कृष्णा अपने परमात्मा रूप के बारे में समझा रहे हैं। परमात्मा क्या, ये बीच में से हटा दो वो, ये इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिंग मी। सो अपने परमात्मा रूप के बारे में बता रहे हैं। भगवान तो अनंत है और तीन रूप में विद्यमान रहते हैं संसार में। सो जैसे भागवतम कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सो भगवान हर जगह भी हैं, चारों तरफ है आपके, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, अपने अपने निराकार रूप में हर जगह। भगवान का एक निराकार रूप भी है, नहीं, अपने ज्योति रूप में हर जगह विद्यमान रहते हैं। और साथ साथ हर अणु में, हर एटम में और आपके हृदय में भी परमात्मा के रूप में साक्षात विद्यमान है। और इससे अलग भी हैं अपने धाम में। यू सी द पॉइंट लाइक दैट। जैसे सूरज है, सूरज आकाश में है और उसकी परछाई कहते हैं तालाब में भी पड़ती है, समुद्र में भी पड़ती है, नहीं परछाई आप उसमें भी देख सकते हो। और साथ साथ सूरज की रोशनी भी हर जगह है। तो ऐसे भगवान कृष्ण, भगवान अपने गोलोक धाम में, उनकी परछाई हर एक व्यक्ति के हृदय में, उसको हम कहते हैं परमात्मा। और उनकी जो अंग ज्योति है वो पूरे संसार में फैली हुई है। तो भगवान हर जगह है, मगर पॉइंट यह है कि हम ये जान के करेंगे क्या, नहीं। अब हर आदमी पूछता है कि मुझे क्या फायदा है इससे, अल्टीमेटली तो प्रॉफिट की बात आती है, नहीं, ये जान के मैं क्या करूंगा, नहीं। अगर मैं आपको बोलूं ठीक है, अमेरिका में लोग क्या चीज है वो, मैं भूल गया, वैसे तो इंडिया में भी खाते हैं, अमेरिका में परसीमॉन खाते हैं। परसीमॉन पता है क्या होता है, दुबई में नहीं होता, आप दुबई गए हो ना, वहां पे नहीं है शायद, यूरोप में, तो वहां पे परसीमॉन खाते हैं। परसीमॉन एक तरह का फल है, तो इंडिया में तो है नहीं, है नहीं। तो मैं बोलूं कि परसीमॉन खाते हैं और बहुत अच्छा फल है, ये है वो है, तो आप कहोगे बहुत अच्छा है मगर मैं क्या करूं इसका, नहीं, यहां तो मिलता ही नहीं, यहां मिलता ही नहीं, तो इस इंफॉर्मेशन का आपको कोई फायदा
फायदा ही नहीं है आपको। ठीक है, वेल एंड गुड प्रभु जी, बहुत अच्छा है, मगर आप मंदिर से बाहर जाओगे भूल जाओगे, क्योंकि आप मिलता ही नहीं पड़सी वहां। सो उसी प्रकार अगर हम कहें भगवान हर जगह है, जो कृष्णा यहां पे कह रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन का हमें क्या फायदा है वो हमें देखना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत हो जाती है मगर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होती है। नहीं समझ, यू अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मेशन, सीख तो हम बहुत कुछ लेते हैं मगर अपने जीवन में अप्लाई बहुत कम कर पाते। नहीं, दैट्स द पॉइंट देयर, हाउ मच वी कैन अप्लाई। तो जो हम सीखते हैं ना उसको हम बोलते हैं नॉलेज, ज्ञान। जब हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में उसको बोलते हैं विज्ञान, साइंस। सो ओके, अब कृष्ण यहां पे कुछ बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है, दोनों चीजें बता रहे हैं। तभी तो कृष्ण भगवान ने कहा गीता में ज्ञानम विज्ञानम, कौन से चैप्टर, 9 चैप्टर, 9 चैप्टर है ना, ज्ञानम कैसे है, हाँ, ज्ञान विज्ञान सहितम। कृष्णा कह रहे हैं मैं ज्ञान भी बता रहा हूं और विज्ञान भी, मैं तुम्हें भी बता रहा हूं कि मेरा नाम लेना है और ये भी बता रहा हूं कैसे लेना है, यू सी। सो ज्ञान होता है क्या करना है और विज्ञान होता है कैसे करना है, दैट्स द डिफरेंस। सो ठीक है, अब कृष्णा पे कह रहे हैं परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषवरः, मैं हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में हूं। ठीक है, अब कृष्ण बता रहे हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हम क्या करें इस इंफॉर्मेशन को। तो कृष्ण दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर, सबसे पहले उपदृष्ट अनुमंता च। कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम जान लोगे कि मैं हर जगह हूं और समझ लोगे इसको, सिर्फ समझोगे नहीं मगर इसको ध्यान रखोगे अपने लाइफ में। हम भूल लाते हैं ना, है नहीं, हम भूल लाते हैं भगवान हर जगह, हम ये तो याद रख सकते हैं भगवान हर जगह, मगर ये भूल लाते हैं कि भगवान मेरे अंदर है, ये हम भूल लाते हैं। इसको याद रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे अंदर तो हमें लगता है हम ही बैठे हैं। नहीं, आपके अंदर कौन बैठा है, आप ही तो बैठे हो या और कोई भी बैठे कोई और बैठा है क्या आपके शरीर के अंदर, क्या कहते हो, ऐसा तो नहीं लगता ना कोई और बैठा है, मगर जो मुक्त पुरुष है उसको पता है कोई और भी बैठा है अंदर, उसको फीलिंग है ऐसी। अब फीलिंग तो समझते हो ना, उसको अनुभव है कि मेरे साथ कोई और बैठा हुआ है। तो आप सोचो आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता लगे अंदर कोई और बैठा है कैसा लगेगा, भैया कोई भूत घुस गया अंदर, क्या हो गया। बट दैट इज लिबरेटेड पोजिशन, आपको पता है कि आपके साथ कोई और भी बैठा हो। एक बार पता, ये एक्चुअली एक डिवोटी थे, 3 डिवोटी अलवाड़ साउथ इंडिया में। तो वो जो डिवोटी थे पे पोए और पोंगल, 3 ये थे ना, ऐसे ही नाम है ना, 3 डिवोटी थे। सो वो लोग अपना मतलब आज तो मैं बात कर रहा हूं आज से 5000 साल पहले की बात, दक्षिण भारत में। तो ये लोग भगवान के भजन गाते थे और घूमते रहते थे बस सड़कों पे, और इनके पास कुछ भी नहीं था, बस एक धोती थी और एक लोटा था, बस एक कॉपिन, धोती और लोटा, कुछ भी नहीं था, ना घर ना परिवार ना मम्मी ना पापा ना सोने के लिए बेड, कुछ भी नहीं, बस ऐसी जमीन पे सोके अपना गांव गांव चलते रहते थे और भजन गाते रहते थे। सो तीनों अलग अलग गांव में थे, तो तमिलनाडु में। तो एक बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हुई, और मतलब जैसे साइक्लोन नहीं होता सुनामी टाइप का, वैसा आ गया, मतलब पूरा सब लोग अंदर घुस के बैठ गए, सारे पेड़ उड़ने लगे। तो उन्होंने कहा भी कहीं रहना पड़ेगा, अंदर जाके क्या करें। तो ये जो पहला था पे, वो जा रहा था, तो उसने पूरा अंधेरा, सारी लाइट वाइट चली गई, सब बंद, 5000 साल पहले तो लाइट भी नहीं होगी, मतलब दिए भी ये सब बंद हो गए। तो वहां पे एक साइड में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, झोपड़ी, मतलब छोटी, मतलब कितनी छोटी, मतलब कैसे बताऊं, एक जैसे आपका बाथरूम, छोटे छोटे बाथरूम, ट्रेन के बाथरूम होता है ना, बस उतना छोटा, उतना ही छोटा था, या एरोप्लेन का बाथरूम उससे भी छोटा होता है, उतना छोटा। सो उतना छोटा था। तो वो अंदर चला गया, खड़ा हो गया वहां, वो थोड़ी देर बाद थक के लेट गया, अब किसी तरह लेट गया।
तो ये जो दूसरा है पोए पे पोए जो भी है वर्ड्स, तो दूसरे डिवोटी वो भी घूमते घूमते वहां आ गए। तो उन्होंने देखा मैं क्या करूं, तो वही उन्होंने घट देखी, उन्होंने खोलने की कोशिश की बंद, तो उन्होंने नॉक किया ये भी कोई है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदर आने दो, मैं तो बहुत बारिश हो रही है, अंधेरा है। तो उन्होंने कहा कोई जगह ही नहीं है, तो मैं लेटा हूं, मैं लेटने भर की जगह है। तो उसने कहा ठीक है, अगर लेटने की जगह एक आदमी के लिए तो बैठने की जगह दो आदमी के लिए होगी। तो उसने कहा सही है, लॉजिक तो ठीक है, खोल दिया उसने। तो वो दोनों बैठ गए अंदर, और फिर घूमते घूमते थोड़ी देर भाई घंटे बाद तीसरा भी आ गया वहां, उसने भी नॉक किया। तो वहां पे तो उन्होंने कहा कि भी खोलो, तो उन्होंने कहा जगह ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हम दोनों बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, दो आदमी के बैठने की जगह तो तीन आदमी के खड़े होने की जगह होगी। तो उन्होंने कहा बात तो सही लग रही है, खोल के तीनों अंदर आ गए और पूरा अंधेरा, तीनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पा रहे, बस खड़े हुए थे और मतलब बिल्कुल चिपक के खड़े हुए, जगह ही नहीं, अब कोई जगह नहीं, बस बिल्कुल फिट। तो वहां पे एक डिबोटी भगवान नारायण विष्णु के स्तुति गाने शुरू कर दिया उन्होंने। अब क्या करें, वो तो डिबोटी है ना, वो तो खाली नहीं बैठ सकते। तो दूसरे को दोनों ने सोचा रहे तो डिबोटी है तो नारायण का, तो दूसरे ने भी गाना शुरू कर दिया स्तुति, और तीसरे ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तीसरे ने भी, तीनों भगवान नारायण की स्तुति गाने लगे, गाते रहे एक दो घंटा। और फिर उनको थोड़ी देर बाद एक फीलिंग हुई कि एक चौथा आदमी वहां है, मतलब वो चकने लगे कोई चौथा आदमी वहां आ गया, अंधेरा तो था ही पूरा, पिछने लगे। उन्होंने कहा ये कौन आ गया अचानक से, हमने तो खोला भी नहीं, और पूरा का पूरा वो, तो वो बोलने लगे तुम कौन हो, क्या है, कौन है, क्या मतलब। सो एकदम से वहां पे लाइट हुई, और वो कौन था, वो नारायण थे जिनकी स्तुति गा रहे थे। और नारायण ने कहा कि मैंने ही जानबूझ के तुम तीनों को साथ में लाया हूं, क्योंकि मैं तुम तीनों के साथ में दर्शन करना चाहता था। तो हम जैसे जो लोग हैं ना, वो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मगर जो महान भक्त होते हैं उनके दर्शन करने भगवान आते हैं। दैट्स अ डिफरेंस। सो भगवान बहुत खुश हुए उनके, उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूं आज कि मुझे तुम तीनों के साथ में दर्शन हुए। सो एनीवे, क्वेश्चन ये है कि मैं क्यों बता रहा हूं, भूल ही गया मैं तो। अंदर कोई बैठा है, सब कोई अंदर बैठा हुआ नहीं आया। सो यू सी, मैं एनीवे स्टोरी बता रहा था कि वो तीनों खड़े थे, तो एक चौथा आदमी वहां आ गया ना, तो उनको एक फील हुआ कि चौथा आदमी भी खड़ा है। तो ऐसे ही जो लोग अनुभवी व्यक्ति होते हैं भक्ति में, उनको पता है कि अंदर कोई बैठा है, कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और उस व्यक्ति का नाम है कृष्ण। वो आपको लग रहा है बाहर ही बैठे हैं, बाहर भी और बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। तो बाहर देखना आसान होता है, अंदर देखना उतना ही मुश्किल होता है। अंदर तो हम झांक के भी नहीं देखते कभी, अंदर झांक के देखते हो कभी? कभी नहीं देखते, कभी सोचा भी नहीं है कि अंदर झांकना कुछ होता है, और झांकोगे भी कैसे, अंदर देखोगे कैसे आप, कैसे देखोगे, कोई 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 तरीका तो है नहीं, आंख बंद करके कैसे अंदर देख लोगे, मतलब क्या है मतलब। क्योंकि अगर आप आंख बंद करोगे ना तो अंदर केवल अंधेरा है। कभी देखा है, अभी देख लो, आंख बंद करके देख लो सब, क्या है अंदर, क्या दिखाई दे रहा है, आंख बंद करके देखो क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, अंधेरा है अभी तो। मगर उस अंधेरे में नारायण छुपे हुए हैं, जैसे ये इन तीनों को पता ही नहीं लग रहा था। सो कृष्णा कह रहे हैं उपदृष्टा, कृष्णा कह रहे हैं अगर तुम्हें समझ आ गया मैं हर जगह हूं, तो तुम्हारे अंदर भी हूं। तो उसको याद रखो हमेशा कि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, और क्या कर रहा हूं अंदर बैठ के, क्या कर रहे हैं भगवान, बोर हो रहे हैं क्या? पहली बात तो अंदर बैठ के बड़े परेशान है वो, क्योंकि हम बकवास चीजें सोच सोच के भगवान को तंग करते रहते हैं। नहीं, उनको भी तो पता लग रहा है हम क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच सोचते हैं, भगवान भी सोचते हैं क्या बंदा है यार ये तो कचुंबर है।
पता नहीं क्या सोचता है ये, मतलब भगवान सोचते हैं कि मैं भी नहीं सोच सकता जैसे सोच रहा है। नहीं, अगर अपने विचार देखोगे ना तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे। और वो जब जब करते हैं तो पता लगता है हमारे विचार क्या, नहीं ऐसे नहीं पता लगते, बिल्कुल बिजार बिजार समझते हो ना, बिजार कैसे कहते हैं, बिल्कुल ही उल्टे फुलटे जो कभी नहीं सोचे होंगे ऐसा विचार आते रहते हैं माइंड में, अपने लिए भगवान के लिए, पैथेटिक। सो कृष्णा सबसे पहले तो परेशान हो रहे हैं अंदर। कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा गीता में कि भगवान भी परेशान हो जाते हैं, बताए ना कौन सा श्लोक है क्यों ना? गीता में आए श्लोक। अब वही तो बात है कि अब ये आंसर करने के लिए आपको गीता एक अलग दृष्टिकोण से पढ़नी पड़ेगी, ना वो मिलेगा नहीं, गीता में ही है वो। कृष्ण कह रहे हैं मैं परेशान हो जाता हूं अंदर बैठ के अगर उल्टे फुलटे काम करोगे ना तो। और कृष्ण 18वें अध्याय में कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि जो असुर लोग हैं वो तपस्या करते हैं और तपस्या से परमात्मा को अपने हृदय में टॉर्चर करते हैं। नहीं लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे कौन सा श्लोक है वो, ये तो बता सकते हो आप। ये तो हाँ, शरीरस्थम। सो अगर कोई तपस्या करेगा बिना शास्त्रों में जो नहीं दी हुई, तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो अपने शरीर को भी क्लेश दे रहा है और मुझे भी क्लेश दे रहा है। अपने हिमालय में जाके बैठ गए, बस खा पी नहीं रहे, उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, उससे पतला ही हो गया, टीबी हो जाएगा और क्या होगा, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैंने देखा है कई योगियों को, मैं तो हिमालय में रहा हूं ना एक साल, जब इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले हिमालय में ही था, मैं 6 महीना वहीं रहा था। ये आपका ये अपन नीलकंठ नहीं है, पता है ना नीलकंठ हरिद्वार के ऊपर, ये प्रिंस को पता हो, वो उसको बड़ा शौक है इधर उधर घूमने का। वो कौन सी जगह, मणिमहेश, वो मणिमहेश जाता है, वो नीलकंठ भी शिव जी का ही है। तो वहां वहां बड़े सारे योगी हैं, तो वो ऑफकोर्स कुछ अच्छे योगी भी हैं, बट वो खाते नहीं पीते नहीं तपस्या करते, बीमार हो जाते हैं, फिर हरिद्वार में हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होते हैं, होना पड़ता है उनको। सो भगवान भी परेशान होते हैं। सो कर क्या रहे अंदर, एक चलो परेशानी की बात अलग है, परेशान तो है ही, परेशान है मगर फिर भी बैठे अंदर, मजे की बात यह है। यानी अगर आप किसी घर घर जाओ और वो आपको परेशान करे तो क्या करोगे आप, छोड़ दोगे, आप कहोगे क्या मैं थोड़ा ना बैठा रहूंगा यहाँ। मगर भगवान ऐसे नहीं है, हम उनको कितने जीवनों तक परेशान, उनकी बैंड बजा दी हमने भगवान की, अगर देखा जाए तो भगवान की ले ली हमने बहुत बुरी तरह। भगवान ने हमें बोल बोल के थक गए, भैया भक्ति कर लो, हमने एक नाम लेके नहीं दिया, तभी तो बटाला में बैठे हुए, अगर भक्ति कर रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे होते हैं ना, वो भी इतनी संसार में बकवास जगह पे क्या कर रहे होते, और उल्टे फुलटे विचार सोच के गंदी गंदी चीजें करके हमने, और भगवान को भी देखना पड़ा वो जो हम गंदी चीजें देख रहे थे, भगवान को भी सुनना पड़ा जो हम गंदी चीजें सुन रहे हैं, भगवान को भी सोचना पड़ रहा है जो हम गंदी चीजें सोच रहे हैं, बट फिर भी हमारे साथ बैठे हैं। यू सी द पॉइंट, क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हमारे साथ, इससे क्यों बैठे मैं बाद में बताऊंगा, मगर इससे एक चीज पता लगती है कि भगवान बहुत ही सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके बेस्ट फ्रेंड है। कृष्णा हमेशा हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हम उनको छोड़ देंगे वो कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको दुख देंगे मगर वो हमारे सुख के बारे में सोचते रहेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे भगवान के भक्तों को तंग करें, वो प्लानिंग करेंगे इसको कैसे मैं वापस सही रास्ते पे लेके आऊं। ही इज देयर इनसाइड। इसलिए इससे एक्चुअली अगर आप हमेशा याद रखोगे ना भगवान आपके हृदय में, तो अगर हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा तो कभी भी आप भगवान को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको याद रहेगा कि कृष्णा मुझे नहीं छोड़ रहे तो मैं क्यों छोड़ूं, वो मेरे साथ है हमेशा तो मैं क्यों, वो मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं क्यों ना उनका साथ दूं। और भगवान का साथ देने का मतलब है कि भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। सो ओके फाइन, तो कर क्या रहे अंदर बैठ के, क्यों है? सो कृष्ण कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता च,
कृष्णा कह रहे हैं कि मैं अंदर बैठ के क्या कर रहा हूं, सबसे पहली बात है उपदृष्टा। उपदृष्टा मतलब क्या होता है कोई बताएगा? उपदृष्टा मतलब होता है साक्षी, नहीं दृष्टा मतलब देखना, उपा मतलब होता है, उपा मतलब होता है, ऊपर के कई मतलब है, ऊपर मतलब ऊपर होता है, ऊपर ऊपर से हम देखते हैं तो सारा कुछ दिखाई देता है ना, है नहीं? तो वो हमारे हृदय में बैठ के क्या कर रहे हैं, हमारे सारे कर्मों को देख रहे हैं, प्रभुपाल देख रहे हैं यहां पर, हमारे सारे कर्मों को देख रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। एक बात तो ये कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप अनुभव कर रहे हो, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, हर सेकंड, हर मिली सेकंड, वो सब रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कर्मों को, और उन कर्मों के फल, उन कर्मों का जो रिएक्शन, रिएक्शन कैसे कहेंगे उसको, फलों का फल, फल प्रतिक्रिया तो समझ नहीं आएगा, कर्मों का जो फल है वो डिसाइड कर रहे हैं कि इन कर्मों के फल इसको कैसे दे, प्लानिंग चल रही है बहुत ज्यादा, मतलब सुपर कंप्यूटर चल रहा है अंदर, दैट्स आइडिया देयर। सो ही इज देयर इनसाइड उपदृष्टा। उपदृष्टा का एक और मतलब होता है वैसे, पता है भाई, उपदृष्टा मतलब होता है ओवरसीयर, ऊपर मतलब सिर्फ ऊपर, तो ऊपर से मतलब होता है कि, तो ऊपर के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाओ फिर नीचे देख लो सब कुछ दिखाई देगा ना, एक ऊपर मतलब होता है ऊपर पोजीशन, कहते हैं ना वी बॉस एम्प्लॉय से ऊपर है, पोजीशन की बात होती है, तो ऊपर दृष्टा मतलब है कि भगवान ऊपर से, मतलब भगवान की पोजीशन हमसे ऊपर है और सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, हमारी लाइफ मैनेज करने वाले कौन है, दृष्टा मतलब देखना, देखना मतलब होता है मैनेजमेंट भी, नहीं कहते, नहीं कहते हैं? तो लोग कहते नहीं कहते हैं कि तो लोग कहते हैं कि भी ऐसी तो यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप कुछ मदद कर सकते हैं? कहते हैं हाँ तो मैं देखूंगा, कहते नहीं कहते हैं? चलो हम इस मामले को देख लेंगे, पुलिस के पास जाते हैं, भैया आप कुछ करिए इस मामले के बारे में, कहते हैं ठीक है हम देखेंगे, तो देखने का मतलब है कि उसको हम मैनेज करेंगे, तो भगवान बैठ के मैनेजमेंट कर रहे हैं अंदर, लीडर है, सारी प्लानिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ की, कि आज से कि अभी ऐसा कर रहा है तो दो साल बाद इसके तहत ऐसा करेंगे, फिर चार साल बाद ऐसा करेंगे, पांच साल बाद ऐसा करेंगे, आपके सारे पिछले जन्मों के कर्म, अभी जो कर रहे हो सब कुछ मिला के आगे फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है सारी, पहले से ही सब प्लानिंग हो जाती है, तो पांच साल बाद इसका एक्सीडेंट करना होगा, पहले से प्लानिंग है, भगवान ने प्लानिंग कर ली, या पांच साल बाद इसकी शादी कर देंगे, या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल इसकी लॉटरी खोल देंगे, जो भी वॉट एवर, सो एवरीथिंग इज बींग प्लान देयर, दैट्स वॉट ही इज डूइंग हियर। तो भगवान बहुत बिजी हैं, खाली नहीं बैठे हैं, सिर्फ बांसुरी नहीं बजाते कृष्ण, और भी बहुत कुछ करते हैं, ही इज अ बिजी मैन। और अगर आप हमेशा ध्यान रखो कि भगवान क्या कर रहे हैं, तो आप भी कभी लेजी नहीं बैठ सकते, वही जब आपके साथ कोई आदमी बैठा है जो इतना बिजी है तो आप कैसे आलसी बैठ जाओगे, है नहीं? आप यहाँ पे कोई हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में रहे हो कोई, हॉस्टल में ऐसे होता है नहीं होता है, तो रूममेट होते हैं हमारे, तो जैसा रूममेट होता है वैसे ही हम भी हो जाते हैं, अगर रूममेट पूरे दिन सोए आ रहा है तो हम भी वैसे, और रूममेट अगर बहुत स्टूडियस हो, पढ़ाकू हो, तो हमारा भी मन करता है यार ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, ऐसा होता है नहीं होता है? तो कभी कभी द्वेष से ऐसा हो जाता है कि वो इतना पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, ऐसा होता है मैं उससे आगे बढ़ के दिखाऊंगा। सो जैसा संग वैसा रंग, बस यही है। सो अगर आप हमेशा याद रखो कि भगवान अंदर बैठे हैं और अंदर बैठ के बहुत बिजी हैं प्लानिंग करने में, तो आप भी वैसे बनने लगोगे। भी अगर भगवान हमारे लिए प्लान कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, तो हमें दूसरों के कल्याण के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, नहीं? ये तो देखो जेंटलमैन है ना, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे उसने हमारी मदद की ऐसे हम
दूसरों की मदद करेंगे। और प्रभुपाद अपने लेक्चर में लिख रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे हैं कि भगवान हमारी मदद हमसे बिना पूछे करते हैं। दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, ही डज एवरीथिंग विदाउट आस्किंग। प्रभुपाद सेज कृष्णा इज सो नाइस, बिना पूछे मदद कर रहे हैं। कोई आदमी ऐसा है संसार में जो बिना पूछे मदद करता है? कोई नहीं है। पहले पूछेंगे, ये करेंगे, हाँ भी कैसे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। भगवान अपने आप ही प्रॉब्लम डायग्नोस करते हैं और अपने आप ही मदद करना शुरू कर देते हैं। और आप पूछो कि क्यों कर रहे हो, नहीं अगर कोई आपकी मदद करने आए तो ये पूछोगे ना आप क्यों कर रहे हो, है नहीं। अगर कोई आए आपको लगेगा पता नहीं क्यों मदद करने आ गया, कोई धोखेबाज तो नहीं है। जब भगवान से पूछोगे मदद क्यों कर रहे हो तो भगवान क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ। कभी पूछ के देखना, अंदर ही बैठे हैं। अब अंदर नहीं दिखाई दे रहा तो यहां आके पूछ लो, तो क्या बोलेंगे भगवान। नहीं तो भगवान क्या बोलेंगे बताओ ना। तो भगवान ये बोलेंगे, अगर आप पूछोगे ना भगवान हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तो भगवान बोलेंगे कि मैं तुम्हारी मदद के बिना रह नहीं सकता। क्योंकि माँ अपने बच्चे की मदद के बिना रह नहीं सकती। वो क्वेश्चन ही गलत है, वहां कहेंगे तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। और प्रेम में नहीं पूछा जाता क्यों मदद कर रहे हो, वो तो मदद होती है अपने आप। इसको कहते हैं अहितु की कृपा। ये कृपा है भगवान की, हमारी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। नहीं तो उपदृष्टा, और दूसरी चीज कर रहे हैं अनुमंता। अनुमंता मतलब समझते हो आप लोग, अनुमंता क्या होता है? अनुमंता होता है मतलब सैंक्शन। कैसे सैंक्शन कैसे कहते हैं? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुमति देने वाला। अनुमति देते हैं, अब जो भी कर रहे हो उसकी अनुमति भगवान देते हैं। अब जो चाहोगे भगवान आपको दे देंगे। जैसे बच्चा नहीं होता, बच्चा कहते मम्मी टॉफी चाहिए, टॉफी मिल जाती है उसको। मम्मी खिलौने चाहिए, खिलौने देते हैं। बल्कि पेरेंट्स पूछते रहते हैं बच्चों से, बेटे कुछ चाहिए तो नहीं, पूछते नहीं रहते। अब 40 साल के हो जाओगे तब भी पूछेंगे बेटे कुछ चाहिए तो नहीं। वेरी फनी, नहीं ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा होता है। मतलब आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो जब भी मैं अपने मदर फादर को फोन करता हूँ तो वही पूछते हैं बेटे कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। सो अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे ना इंडिया के, तो आपकी मम्मी, उसकी मम्मी यही पूछेंगी बेटे कुछ चाहिए तो नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। बट वो पूछेगी ऐसा, वो नेचुरल है। तो भगवान जो आप चाहोगे दे देंगे। सो अगर आप चाहते हो अमीर बनना, बहुत ज्यादा इच्छा है और आपके कर्म भी ठीक हैं, तो आपको अमीर बना देंगे। तो आप चाहते हो भक्त बनना, आपको भक्त बना देंगे अगर इच्छा है तो। अगर आप चाहते हो कि मुझे भक्ति में अनुभूतियां हो, रियलाइजेशंस आए, तो वो भगवान आपको दे देंगे। आप चाहते हो मुझे भगवान के नाम, मुझे भगवान का नाम समझ आ जाए, भगवान के नाम में भगवान की अनुभूति हो, तो वो दे देंगे। आप जो चाहते हो भगवान आपको दे देंगे। बट शर्त यह है कि भगवान ये देखेंगे कि आप क्या चाहते हो, उसमें उनको चीट नहीं कर सकते आप। और कभी कभी पता क्या होता है, हमें खुद भी नहीं पता होता हम क्या चाहते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है, हैं? हमें, आपको खुद ही नहीं पता क्या चाहते हो। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं ना कि आप भगवान को नहीं चाहते, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, यस या नहीं? अगर बोलू यहां पर आप बैठे हो आप भगवान को नहीं चाहते, कितने लोग मेरी बात को हाँ करेंगे? क्या कहते हो, कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? बस, और बाकी लोग भगवान को चाहते हैं नहीं, एक्चुअली नहीं चाहते हम। मतलब चाहते हैं मगर बाहर बाहर से। वो आपको इसलिए पता नहीं लग रहा क्योंकि आपने केवल बाहर ही देखा, अंदर तो देखा ही नहीं कभी। सो बाहर देखा है तो आपको लगेगा मैं चाहता हूं, मगर अंदर झांक के देखोगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअली अंदर तो कुछ और ही है। अंदर तो संसार की वासनाएं भरी हुई है अभी तो। कूट कहते हैं, कूट कूट के, सुना है ना,
कूट कूट के कूट कूट के नहीं कहते, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, और वो ना वो ऐसे पता नहीं लगती क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। सबकॉन्शियस माइंड पता है ना आप लोगों को कैसे क्या कहते हैं, कैसे हिंदी में कैसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड? हाँ, अचेतन मन, समझ लो ना, अचेतन मन समझते हो ना आप लोग? सुचेतन मन, सुचेतन तो नहीं कहते, अचेतन मन। ओके, सुचेतन क्या होता है? अच्छी चेतना। ओके, अचेतन मन हमारे अंदर, हमें खुद ही नहीं पता क्या है एक्चुअली। एक तो मायापुर में एक माता जी हैं, मतलब वेल स्टोरी थोड़ी अजीब सी है बट एनी वे शी टोल्ड, ये जो तो कई लोगों को बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए मायापुर में, होते रहते हैं। नरसिंह भगवान जो हैं उनकी लीला है, तो वो माता जी सो रही थी एक बार, तो उनको सपने में नरसिंह भगवान आ गए मायापुर के, और वो उनके छाती पे चढ़ गए यहाँ पे, और उन्होंने उनके हृदय में डाला हाथ और कुछ काला काला निकाला। उन्होंने कहा अब क्या करूं इसका, तो माता जी ने सपने ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये गंदगी है जो तुम्हारे अंदर आत्मा में जो मैंने निकाली, अब फेकू का ये बताओ तुम। तो वो डर डर के उड़ गई, तो उसको लगा सपना है पता नहीं क्या है, मगर एक्चुअली जब उसने देखा तो उसके यहां निशान पड़े हुए थे पंजों के असली में। अब कैसे थे क्या थे भगवान जाने, तो उन्होंने बुक में लिखा है ऐसा। सो दैट्स द पॉइंट देयर, अनुमंता च, भगवान अनुमति देते हैं। तो कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, होता है नहीं होता है। कभी कभी तो अच्छा लगता है भक्ति, कभी कभी बिल्कुल ही माइंड आउट हो जाता है, कभी कभी बहुत उत्साहित होते हैं, कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा होना, हम चाहते हैं भगवान से दूर जाना, हम चाहते हैं भगवान के बिना एंजॉय करना, हम चाहते हैं संसार का। तो भगवान कहते हैं ठीक है लेके देख लो फिर। फिर जब भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो फिर हमें दुख होता है, यार हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति नहीं हो रही, क्या हो रहा है, डिस्टर्ब होता है ना हम लोग। तो वो सब भगवान अंदर से अनुमति, अनुमंता च, भगवान सब कुछ सैंक्शन करते रहते हैं। आप चाहते हो मंदिर आना, भगवान आपको शक्ति दे देंगे आ जाओगे, आप शक्ति बुद्धि दे देंगे आने की, अगर चाहते हो तो आ जाओगे। आप चाहते हो खाना खाना, तो भगवान आपको खाना खाने की शक्ति दे देंगे। नहीं, खाना खा रहे हो तो वो शक्ति कौन दे रहा है खाने की, भगवान ही तो दे रहे हैं। सोना चाहते हो तो नींद आ जाएगी। सो इट्स अप टू, एक्चुअली गेम आपके हाथ में है, भगवान तो बस जज की तरह, जज अंदर बैठे हैं सैंक्शन करते रहते हैं, ठीक है ओके गुड दिस इज। अगर आप नास्तिक बनना चाहते हो, भगवान आपको आइडियाज दे देंगे नास्तिक बनने के, सारे आइडियाज। सो वो तो पिता जैसे है, मगर साथ साथ आपको वार्निंग भी देंगे। नहीं, मम्मी पापा बच्चा कहते हैं पापा टॉफी चाहिए, ठीक है टॉफी ले, मगर साथ साथ ये भी कहेंगे देख अब तू देखियो तेरे दांत खराब होंगे, बोलते नहीं बोलते। अब क्या करें, वो टॉफी देनी भी पड़ती है वरना वो रो रो के सड़क पे लेट जाएगा। तो हम भी ऐसे ही हैं, भगवान हमें गाड़ी चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो भगवान कहते ले ले, मगर फिर बोलते भी हैं साधुओं के द्वारा और गीता के द्वारा, बेटे अब तू दुख मिलेंगे देखियो तू, मगर अब क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते ना, कोई ऑप्शन नहीं है। सनुमंता दो चीज कर रहे हैं, एक तो भगवान बहुत बिजी है प्लानिंग में, हमारी लाइफ को प्लान करने में भगवान बिजी है कि किसी तरह हम सही रास्ते पे आ जाए, इस तरह से प्लानिंग करते हैं भगवान, प्लानिंग करते रहते हैं किसी तरह मेरे पास आ जाए। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि भगवान की प्लानिंग को चौपट कर देते हैं, करते नहीं करते हैं। भगवान बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं और उस प्लान को खराब कर देते हैं, फिर आ नहीं पाते भगवान के पास, फिर अगला जीवन होता है, फिर वहां पे भगवान प्लानिंग करते हैं चलो भी किसी तरह मेरे भक्तों से मिले मेरे पास है, फिर उस प्लान को खराब कर देते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अगर एक तो मतलब तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ, भगवान या आप? हम ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए उस सेंस में, भगवान की प्लानिंग को फेल कर देते हैं। वी आर कनिंगली स्मार्ट, लेट्स पुट इट लाइक दैट। कनिंगली स्मार्ट समझते हो, कैसे कहेंगे हिंदी में, कैसे कहेंगे हैं?
चलाकी करते हैं हम, चलाकी कोई शब्द होता है नहीं होता है, बड़ा जी सच है चालाकी, हम चलाकी करते हैं, चलाकी होता है चालाकी होता है चालाकी, कपटी तो अलग शब्द हो गया, चलाकी अच्छा वर्ड है, उससे मैसेज पहुंच जाता है, कनिंगली स्मार्ट, दैट्स आइडिया जो है। सो तो यू सी द पॉइंट, इसलिए जानना जरूरी है कि भगवान हमारे हृदय में है। अगर आप ये याद रखोगे तो फिर आप चलाकी नहीं करोगे, तो भगवान के प्लान्स के अनुसार आप भी, भगवान का जो ऑर्डर है जो सुबह बता रहा था, जो वैष्णव का ऑर्डर है, गुरु का ऑर्डर है, वो करते रहोगे, क्योंकि भगवान का प्लान कैसे पता लगेगा, अभी तो कॉन्टेक्ट है नहीं, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहे अंदर, अभी तो मतलब ही नहीं है आपको अंदर से कुछ, तो इसलिए गुरु और वैष्णव होते हैं, भगवान गुरु और वैष्णव के थ्रू बोल देते हैं, ठीक है भाई ऐसा कर लो मेरा प्लान है, जब आप आगे बढ़ जाओगे तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, तो फिर आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि अंदर से क्या मैसेज आ रहा है, मगर अभी नहीं पता लगेगा, अगर अभी पता भी लगेगा तो कंफ्यूज होगे, क्योंकि अंदर से भगवान भी बोल रहे हैं और हाकम मन भी बोल रहा है, प्रॉब्लम ये है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि भगवान बोल रहे हैं मन बोल रहे हैं, कंफ्यूज रहोगे है नहीं, क्योंकि अभी माइंड कंट्रोल में नहीं है ना, जिस दिन माइंड कंट्रोल में आ जाएगा उस दिन आप भगवान की आवाज सुनना शुरू कर दोगे, माइंड को आपने पकड़ के साइड में रख दिया, फिर जो आवाज आ रही है किसकी आ रही है, फिर तो भगवान की आ रही है, बस सिंपल हो गया, क्योंकि अभी मगर दोनों बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अभी प्रोग्राम में जाओ, मन कह रहे हैं नहीं सो जाएगा, और दोनों की आवाज सेम है, सबसे बड़ी बात यह है मन भी बहुत चला के वो भी भगवान की आवाज में बोलता है तो आपको लगेगा अरे भगवान ही कह रहे हैं चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं बाद में चले जाएंगे, कुछ समझ नहीं आता ना, कुछ समझ नहीं आता चीजें, सो इसलिए माइंड कंट्रोल करना जरूरी, जिसका मन कंट्रोल नहीं है उसको कभी भी समझ नहीं आएगा कि अंदर भगवान की आवाज सुनाई नहीं देगी उसको, उसको सुनाई नहीं देती, तो ठीक है जब तक सुनाई नहीं दे रही एक इमीडिएटली पहले दिन तो नहीं होगा, तो इसलिए भगवान ने अपने गुरु वैष्णवों को गीता दे दी भी, ठीक है पढ़ लो और ये समझ लो कि मेरी प्लानिंग क्या है, तो गीता पढ़ के तो आपको एक जनरल प्लानिंग समझ आएगी जनरल, मगर अपने लिए स्पेसिफिक प्लानिंग तो फिर आपको पूछना पड़ेगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि एग्जैक्टली मेरे लिए क्या है, ठीक है गीता तो जनरल प्लानिंग चल रही है, सोपदृष्टा अनुमंता च, और इस तरह से कृष्णा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कृष्णा इस तरह से अपने भक्तों का पालन करते हैं, उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं और उनको सही चीज की अनुमति देते हैं कि भी देखो ये कर लो ऐसा मत करो, वार्निंग्स देते हैं नहीं, और बिजी रहते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जैसे वो हमारी कर रहे हैं, किस तरह से हमेशा हमेशा हमें बिजी रहना चाहिए जैसे भगवान बिजी हैं, किस तरह से हमें लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे वो हमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सिखा भी रहे हैं, और वो तब होगा जब आप याद रखोगे कि वो अंदर बैठे, अगर ये ही याद नहीं होगा वो अंदर है तो फिर तो कुछ भी नहीं सीख सकते, और ये याद कैसे रहेगा वो अंदर बैठे ये बताना जरा, कैसे याद रहेगा, भूल जाते हैं ना, भुलाते नहीं भुलाते हो, याद ही नहीं है तो भूलोगे क्या पॉइंट सो तो कैसे याद रखें ये बताओ, सेवा मतलब एक आंसर चाहिए मुझे, वैसे तो बड़े सारे आंसर है, हाँ साधु संग हो सकता है, मगर हमेशा तो साधु संग नहीं मिलेगा, फिर कैसे याद रखोगे अपने क्लिनिक में अपने घर में अपने इधर उधर कैसे याद रहेगा, देयर इज वन थिंग विच विल मेक यू रिमेम्बर, चैंटिंग द होली नेम्स, भगवान का नाम अगर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान का नाम इसलिए तो है याद दिलाने के लिए कि भगवान हमारे साथ हैं,
और वो हमारे अंदर ही बैठे, ये याद रहेगा हमेशा आपको। और ये याद रहेगा तो हम माया में फंस ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा भगवान के, भगवान आपके साथ ही है, तो माया में कैसे फंस जाओगे। माया में तब फंसते हैं जब हम भूल जाते हैं कि वो अंदर बैठे। अब वो भूल ही जाते हैं, और भूलते इसलिए क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही नहीं है भगवान के नाम की लेने की। तो 24 घंटे भगवान का नाम ले सकते हो, माला पे और बिना माला के, अपने माइंड में चलते फिरते जागते सोते, तो हमेशा फिर भगवान के नाम की कृपा से आपको याद रहने लगेगा। वो ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है ना माइंड की, ट्रेनिंग हो जाएगी। तो भारता हरे कृष्ण, ये क्या है? ओ हरे कृष्ण, ये बड़ा अजीब सा है। चलो ठीक है, इसने हमें याद दिला दिया, टंकी भर गई। ऐसी भक्त भी होते हैं, कह रहे पानी की टंकी भर गई, भक्त भी आके बोलते हैं भगवान हृदय में। That's all. पापों की टंकी भर गई, भक्ति कर लो। या मे बी राइट। सो भरता, भरता मतलब भगवान अपने भक्तों की, भरता मतलब समझते हो, भरण भरण पोषण पालन करते हैं। इस तरह से भगवान हमारा पालन कर रहे हैं, हमारे हृदय में बैठ के हमेशा ही रास्ते में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भोक्ता, भोक्ता मतलब क्या होता है प्रभुपाद, क्या लिखते हैं भोक्ता का? वैसे प्रभुपाद परम भोक्ता लिख रहे हैं, बेसिकली इंजॉयर, इंजॉयर समझते हो ना आप लोग, कैसे कहेंगे हिंदी में, कैसे कहेंगे भोक्ता, मतलब समझते हो ना आप लोग, भोगने वाला। सो भगवान अंदर बैठ के मतलब जो आपकी भक्ति है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो जिसमें त्याग है और जिसमें सेवा है उसको भोग कर लेते हैं। अच्छी चीज को भोग करेंगे ना, गलत चीज को थोड़े ना करेंगे भगवान भोग। तो आपके जिस विचार में, जिस क्रिया में त्याग है और सेवा भावना है, उन विचारों को और उस अनुभव को वो ले लेते हैं, इंजॉय करते हैं। ही लाइक्स दैट, नहीं समझ रहे हो, लाइक्स, लाइक्स दैट समझते हो ना आप, ही लाइक्स दैट एंड अप्रिशिएट्स दैट, या दिस इज नाइस। भर्ता भोक्ता एवच एंड देन दैट्स अ वर्ड्स, परमात्मा इति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषापरः। तो ये कर रहे हैं भगवान अंदर बैठ के, और भगवान चाहते हैं कि हम लोग इस चीज को याद रखें। और भगवान, अब याद रखोगे तो भगवान का संग मिलता रहेगा हमेशा, चाहे कहीं भी हो दुनिया में, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, अब कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि कोई साथ है ना आपके, है नहीं? तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पर कि भाई ठीक है, तो आप, तो आपको वर्ल्ड टूर के लिए जाना है, वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर समझते हो ना आप लोग, विश्व भ्रमण, ठीक है ठीक है। चलो आपको हम संसार में घूमने भेजेंगे, चाइना, अमेरिका, रशिया, साइबेरिया, साउथ अफ्रीका, अमेजन के जंगलों में, अमेजन के जंगल पता है ना, और रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में, सब जगह भेजेंगे हम आपको, और अकेले। तो जाओगे? अकेले भेजेंगे मगर आपको, समुद्र के अंदर भी, आर्मी बेस पे भी, ऐसे जंगलों में जहां पे, जहां पे सांप होते हैं, एनाकोंडा होता है, नहीं अब बहुत डेंजरस, जा अकेले जाओगे? अकेले शायद आप ना जाओ विश्व के भ्रमण पे, मगर आपको बोलेंगे ठीक है, तो आपके साथ एक और, एक और बंदा होगा जाएगा, तो जा सकते हो, फिर चले जाए, हिम्मत आ जाएगी, दो दो जने चले जाते हैं, अकेला आना बड़ा मुश्किल है, बस एक और चाहिए और आप चले जाओगे, ठीक है अभी एक और है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ पूरे वर्ल्ड में घूम लेंगे, ठीक है, मतलब इस तो लोग शादी करते हैं, मतलब अकेले पूरे जीवन काटना बड़ा मुश्किल है, तो फिर ठीक है शादी कर लो, एक और आ गया तो आराम से पूरा जीवन निकल जाता है। तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक है नहीं, तो बस एक और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, फिर आपको डर भी नहीं लगेगा, आप सब जगह चले जाओगे। तो बस, तो अगर आपको पता लग गया एक और तो ऑलरेडी है हमारे साथ, भगवान ही है, तो आप कहीं भी रहोगे आपको डर नहीं लगेगा और पूरा जीवन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि अब अकेले हो ही नहीं ना, प्रॉब्लम ये है।
सो बस ये छोटी सी चीज है, छोटी सी ट्रिक है, बस और कुछ नहीं है, है छोटी सी ट्रिक, मगर उसको आपको अप्लाई करना है बस। तो ऐसा कुछ काम मत करो जीवन में किसी से भूल जाओ कि भगवान अंदर बैठे, क्योंकि अब ज्यादा करोगे ना, ज्यादा अगर कुछ ऐसा काम करोगे उल्टी फुल्टी चीजें तो भूलते रहोगे, माइंड डिस्टर्ब होगा नहीं होगा। तो अब मान लीजिए मूवी देखने चले गए 3 घंटे की, अब भूलोगे नहीं भूलोगे, पूरी तरह आपका माइंड मूवी खींच लेगी, आप भूल गए अंदर बैठे, वो 3 घंटे आप भगवान से डीकॉन्टैक्ट हो गए। और जैसे ही भगवान से मतलब होंगे 1 मिलीमीटर भी, वैसे ही भय आ जाएगा, भयम द्वितीय विनिवेशिता स्यात, वैसे ही काम वासना आएगी, उसी वक्त आ जाएगी काम वासना, क्रोध फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस उसी वक्त आ जाएगा। बस जैसे आप भगवान से इतना सा भी अलग हुए, वैसे जैसे भूल गए, 1 सेकंड भी भूल गए, बस वो शुरू हो जाएंगी चीजें सारी, वो बस वो मैकेनिज्म ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है, जैसे डी कॉन्टैक्ट हुए बस चीजें चालू। सो इसलिए हम लोग फालतू की मूवीज नहीं देखते, क्योंकि हम भूल जाएंगे भाई, हम बेकार की बातें नहीं करते क्योंकि हम भूल जाएंगे, हमें याद रखना है ना उस चीज को। और हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं तो याद रहते हैं, और जब अगर भगवान याद रहेंगे इस तरह से जिस तरह मैंने बताया तो मन शांत रहेगा और लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? काफी लोगों ने श्लोक पढ़ के छोड़े क्यों भक्ति? ये बात है, ये श्लोक पढ़ के काफी लोगों ने भक्ति इसलिए छोड़ दी क्योंकि श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि ये परमात्मा की बात कर रहे हैं ना, तो इस पर एक डिबेट है बहुत बड़ी कि ये श्लोक भगवान परमात्मा की बात कर रहे हैं या भगवान लेवल पे बात कर रहे हैं। उसी परमात्मा लेवल पे बात हो रही है भगवान लेवल पे, तो कुछ कहते हैं अभी परमात्मा लेवल पे बात हो रही है तो परमात्मा करते हैं मगर भगवान ऐसा नहीं करते, उसी दोनों अलग कर देते हैं। भगवान लेवल हमें तो पता है ना, भगवान लेवल थोड़ा अलग है परमात्मा अलग है, मगर हमारे अकॉर्डिंग तो भगवान परमात्मा एक ही है आइडियली। सो इस पे डिबेट चलती है, तो कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते इस आंसर से, डिबेट है और वो छोड़ के चले जाते हैं, बकवास आंसर ही नहीं है इसका। मगर अब इस आंसर को समझने के लिए ना वो बुद्धि नहीं चाहिए, उस आंसर को समझने के लिए भक्ति चाहिए। तो अब एग्जैक्टली क्या डिबेट है मैं इस डिटेल्स में नहीं जा रहा, मगर ऐसी डिबेट है इसमें। तो मैंने कहीं डिवोटीज को छोड़ा है, वो कहते हैं क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। खैर आप नहीं छोड़ोगे श्लोक को पढ़ के क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा डिबेट क्या है, तो छोड़ दो। वो डिबेट समझने के लिए भी थोड़ा दिमाग चाहिए, वो अच्छा है दिमाग कम है, वो भक्ति नहीं छूटेगी। ज्यादा दिमाग होता है ना तो वो भी प्रॉब्लम है नहीं? हाँ, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ज्यादा ही दिमाग लगा देते हैं इस पे। भगवान की गीता दिमाग से नहीं समझ आती, भगवान की गीता भक्ति से समझ आती है, नहीं सिंसियर लोगों को समझ आती है। जरूरी नहीं है आप बहुत इंटेलिजेंट हो समझ आ जाएगी, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, अगर आप फॉलो करोगे सिंसियर हो तो आ जाएगी, भगवान ये रहस्य खोल देंगे, आपको हमेशा अपने आप याद आने लगेगा भगवान मेरे अंदर बैठे। ये सिर्फ याद की बात नहीं है, अनुभव हो जाएगा, अनुभव समझते ना, फर्क है ना याद और अनुभव में। अभी तो आप याद कर सकते भगवान अंदर बैठे हैं, मगर अनुभव ये होगा एक दिन की कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ अंदर, तो आप सोचो कैसी फीलिंग होगी। फीलिंग अजीब सी होती है नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक माँ को पता है बच्चा अंदर है तो कैसी फीलिंग होती है, मुझे नहीं पता कैसी फीलिंग होती है, बट स्त्रियों को पता होगा तो पेट में बच्चा होता है तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चा है अंदर, फीलिंग होती है नहीं होती है? आई थिंक होती होगी जब बच्चा हिलता होगा कुछ, ऑफकोर्स। तो एक कोई जीवात्मा है अंदर आपको पता है, ऐसे ही फीलिंग अनुभव हो जाता है मुक्त जीव को कि कोई अंदर कोई व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति भगवान है, वो उसको कहते हैं अनुभव, है नहीं? अनुभव है ना। अगर कोई लड़की सोच ले ऐसे ही बिना शादी के मेरे अंदर बच्चा है, सोचने लगे तो क्या कुछ होगा, तो कुछ अनुभव होगा उसको, वो सोच सकती है अंदर पेट में बच्चा है,
मगर उसको वैसा अनुभव नहीं होगा। जब असली में बच्चा होगा पेट में तब वो अनुभव अलग है, सोचना अलग है। तो अभी हम सोच सकते हैं कि भगवान अंदर है, अंदर अंदर है, वो अच्छा है, एटलीस्ट शुरुआत तो करो, मगर अनुभव बिल्कुल अलग होगा। दैट्स द टारगेट, वो हम चाहते हैं, और वो हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा। क्यों और नहीं हो जाएगा, और क्या, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा फिर एक दिन। दैट्स ऑल, दैट इज द सीक्रेट। सीक्रेट वो आता है ना, सीक्रेट तो सोचते रहो वो हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, क्या हिंदी में कैसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो हिंदी में भी तो बने थे सीक्रेट, आकर्षण का नियम कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, जो सोचते रहो वो हो जाएगा। तो ठीक है, ये सोचते रहो ज्यादा अच्छा है, फिर एक दिन प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दैट्स द पॉइंट देयर। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, अदरवाइज आई एम डन। उत्तम पुरुष को अन्य परमात्मा ने दिया, तो भावी भगवान ने ध्यान किया कि उत्तम पुरुष को परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष के ऊपर, उत्तम पुरुष जो वो अलग है, वो परमात्मा ही है। हाँ वो परमात्मा ही है, मगर कह रहे हैं उत्तम पुरुष तू अन्य, वो अलग है, वो ये कहते हैं अन्य मतलब अलग। यू सी दैट प्रॉपरली, तो वो भी बात है उसमें। एनीवे, और कुछ पूछना है किसी को, समथिंग वी कैन डिस्कस दिस। क्लियर हो गया नहीं हो गया सबको, है नहीं है तो अब तो क्या करना है, अब करना क्या है बताओ। ठीक है, क्लियर तो हो गया, क्या करना है? हाँ, भगवान का नाम लो और ये याद रखो कि भगवान आपके साथ है, और ऐसा कुछ मत करो कि ये भूल लो, ये ध्यान रखना, ये आधा जरूरी है, याद रखने से आधा जरूरी है नहीं भूलना, समझ रहे हो? ऐसा कुछ मत करो कि हम भूले ना। तो अब ध्यान रखना भी प्रसाद मिलने वाला, भूलना मत कि भगवान अंदर है। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा प्रसाद, मिलेगा सबको, ठीक है? जब प्रसाद खा लोगे तो भूलना मत कि भगवान अंदर है, और ध्यान करके खाना, पता लगा भूल ही जाओ खाते खाते तो प्रॉब्लम है उसमें। जब आप प्रसाद डाल रहे हो अंदर तो किसको जा रहा है वो, कहाँ जा रहा है वो, पेट में जा रहा है, नहीं जा रहा है? और पेट में कौन है? पेट में भगवान के रूप है, वैश्वान आर्य। एक्चुअली जो खा रहे हो वो सबसे पहले भगवान के पास जा रहा है, और फिर वहां से हमारे पूरे शरीर में जाता है। नहीं, जो जो भी खाने का जो रस है, रस रस समझते हो, खाने का रस होता है। अब आयुर्वेदिक टर्म है, अखिलेश्वर को पता होगा, रस होता है, ओज होता है खाने का, वो पहले भगवान परमात्मा के पास आता है, फिर परमात्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देते है नहीं। तो प्रसाद बनेगा तो पहले किचन से फिर एक व्यक्ति लाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसे ही तो होता है। तो पहले आते हैं परमात्मा के पास, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब खा रहे हो तो एक व्यक्ति को पता है, भक्त को पता है कि सबसे पहले भगवान के पास जा रहा है, और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है सारे अंगों को। नहीं, हाथ पांव अलग अलग है ना, डिपार्टमेंट, सबके डिपार्टमेंट अलग है ना, आपका डिपार्टमेंट, हाथ का डिपार्टमेंट। तो परमात्मा फिर जो जो रिक्वायरमेंट है वहां भेज देते हैं रस को, ओज को, एंड देन हम फिर स्ट्रांग फील करते हैं। सो ये डिवोटी को हमेशा याद रहता है। तो इस तरह से डिवोटी हमेशा चीजें याद रखते हैं। जो आप अभी सुन रहे हो ना, वो भी सबसे पहले किसके पास जा रही है इन्फॉर्मेशन? आवाज कहाँ जा रही है पहले? कान से कहाँ जा रही है? कान से पहले परमात्मा के पास जा रही है इन्फॉर्मेशन, फिर वहां से फिर आपके पास आती है प्रोसेस होकर। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो अगर मैं बोलूंगा, सपोज यहां पे मैं बोलूंगा तुम कुत्ते हो, सपोज बोल दिया, सबने सुन लिया, सुन लिया नहीं सुन लिया, मगर सबको विचार अलग अलग आएंगे, है नहीं? कुछ लोग सोचेंगे चलो ये, चलो तो प्रभु जी हैं, वो तो ऐसी ठीक है, कुछ कारण से बोल रहे होंगे। कोई नया आदमी होगा सोचेगा पता नहीं क्या बोलते रहते हैं बैठ के, ये संत हैं क्या, है तुम कुत्ते हो, ये क्या मतलब है? और जो लोग भक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं वो सोचते हैं कितनी कृपा है प्रभु जी की, हमें बोल रहे हैं कुत्ते, कितना अच्छा है, हमें याद दिला रहे हैं। सो अलग अलग विचार, इन्फॉर्मेशन सेम है, विचार अलग है, ऐसा क्यों है बताना जरा?
ऐसा क्यों है? डिकोडिंग हो रही है, क्यों है ऐसा? एक ही वाक्य है ना, सेम वाक्य है, मगर विचार अलग अलग क्यों है? प्रोसेसिंग हो गया, क्योंकि कहीं से प्रोसेसिंग हो रही है उस स्टेटमेंट की। प्रोसेसिंग समझते ना आप लोग, प्रोसेसिंग क्या यार, यार तो बड़ा मुश्किल है बोलना बटाला में। हिंदी प्रोसेसिंग क्या कहते हैं हिंदी में? पता नहीं। ये इनको पता है माता जी, इसको आपको पता है प्रोसेसिंग क्या होती है? इनको नहीं पता होगा ना, तभी तो समझ। ओके, तो पहले ये जो आप सुन रहे हो तुम कुत्ते हो, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो वाक्य है वो पहले परमात्मा के पास जाएगा, फिर परमात्मा उस वाक्य में आपकी वासनाएं मिलाएंगे, आपके जो इच्छा है ना वो मिला देंगे, और फिर जो आपकी इच्छाएं और वाक्य मिलके फिर विचार आएगा कोई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए वाक्य तो एक ही है मगर विचार अलग अलग है, वो आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको विचार आता है। हाँ, संस्कार हो गया, तो उसमें वो संस्कार के साथ प्रोसेसिंग कर देते हैं उसकी, क्या कहते हैं उसको आयुर्वेद में, क्या कहते हैं उसको, प्रोसेसिंग करने, संस्कार ही कहते हैं ना। हाँ, आयुर्वेद में संस्कार ही कहते हैं। सो दैट्स, ये समझ गए नहीं समझ गए? तो इसलिए सबसे पहले आप जो सुन रहे हो पहले परमात्मा के पास जाता है, फिर आपके पास आता है, और जो आप देख रहे हो सबसे पहले कहां जाएगा? वो आंखों से परमात्मा के पास, फिर आपको दिखाई देगा। इसलिए हर व्यक्ति सेम चीज देख रहा है मगर अलग अलग विचार आ रहे हैं। कोई व्यक्ति स्त्री को देखता है उसको काम वासना आती है, कोई भक्त देखता है उसको मां के रूप में नजर आती है। अब क्या है, इंफॉर्मेशन तो सेम ही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो देख रहा है वो इंफॉर्मेशन पहले आंखों से परमात्मा के पास गई, परमात्मा ने आपकी इच्छाओं को उसके साथ मिलाया, और फिर एक विचार आ गया। नई चीज सुन रहे हो ना आप? अबे ध्यान, यही भागवतम है, सांख्या फिलॉसफी 3rd canto। अबे याद करने वाली बात होती है, तो इसलिए भक्त को हमेशा याद रहता है कि सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भगवान ही है, सब भगवान अंदर है, सब प्रोसेस कर रहे हैं, वहां जा रहा है, अनुमति दे रहे हैं हर चीज की। तो भक्त कभी भूल ही नहीं सकता भगवान को। बाय द वे, श्रील प्रभुपाद से पूछा था एक बार, ये प्रभुपाद भगवान को याद करना मुश्किल है? प्रभुपाद ने कहा भगवान को भूलना मुश्किल है, मगर वो उसके लिए मुश्किल है भूलना जिसको ज्ञान है, अज्ञानी है उसके लिए मुश्किल है याद करना, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको समझा दी, समझ आ गया नहीं आ गया सबको? आ गया नहीं आ गया? आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानने की जरूरत है, अब प्रैक्टिस करनी है बस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, बस सिंपल सी बात है। सो या कोई और कुछ कह रहे हैं? अदरवाइज विल स्टॉप है ना। आई थिंक समबडी आस्क्ड मी क्वेश्चन ना, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मैं लेक्चर दे रहा हूं, क्वेश्चन बोलो। गलत काम कोई काम करना करते हैं तो मैं भगवान का स्मरण भी आता है, तो फिर भी वो हो जाता है। ये तो अर्जुन ने पूछा क्वेश्चन कि हम गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं, हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी करते रहते हैं, होता है? नहीं होता है, ऐसे ही होता है। प्रसभम मनहा, कृष्णा कह रहे हैं, ऐसा लगता है किसी ने हमारे मन को खींच के पकड़ के कहीं और ले जा रहा है, नहीं? हमें पता है गलत हो रहा है फिर भी करते रहेंगे, और फिर गलत करने के बाद फिर कहेंगे ओहो अगली बार से नहीं करूंगा, फिर अगली बार दोबारा गलत कर देते, फिर ऐसे ही चलता रहता है बस। ऐसा क्यों होता है? दैट्स द आइडिया। सो अब तो आंसर पता होगा आपको, मैंने पूरा लेक्चर दे दिया। क्यों हो रहा है ऐसा? Yes. हमारी जो इच्छा है उसके अनुसार ही भगवान हमें शक्ति देते हैं। अगर भोग करने की इच्छा ज्यादा है तो मन खींच लेगा, अगर भक्ति करने की इच्छा ज्यादा है तो भगवान खींच लेंगे अपनी तरफ, दोनों तरफ से खींच रहे हैं ना, एक तरह से मन खींच, वो गेम नहीं देखा, वो रस्सी खींचते हैं, देखा नहीं देखा, टग ऑफ वॉर, वहां से खींचता है, वहां से खींचता है। सो अगर आपकी इच्छा भगवान की तरफ ज्यादा है तो भगवान भी खींच रहे हैं, आप भी खींच रहे हो, तो भारी पड़ जाओगे ना, है नहीं? दो जने हो गए ना। और अगर आपकी इच्छा भोग करने की है तो आप मन के साथ हो, तो मन भी खींच रहा है, आप भी थोड़ा थोड़ा उस तरफ हो, तो वो उस तरफ खींच जाएगा। सो इट्स दैट्स
प्रॉब्लम इज विद यू। सो उस टाइम हम उस मगर उस टाइम कुछ नहीं कर सकते फिर आप। उस टाइम जब हम जब मन खींचेगा तो आप कहोगे नहीं 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 मैं गलत कर रहा हूं, मगर अब तो खेल शुरू हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। तो प्रिकॉशन चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए धीरे धीरे आपको अपने को कन्विंस करना पड़ेगा, भाई मैं गलत नहीं करूंगा, दैट्स ऑल, मुझे नहीं चाहिए ये चीज। वो कन्विंस्ड होना पड़ता है, और वो होगा भगवान के नाम और नॉलेज से। नॉलेज, यू टू टेक नॉलेज कि गलत है, ये गलत है नहीं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बटाला में आपके वो क्या है, आपके मोमोज मिलते हैं, हाँ मिलते होंगे, या चाउमीन, या तो वहां रेडियां लगी रहती हैं, तो मतलब तो रेडियां लगी, या क्या है कौन सा आरएल बाबा कॉलेज कौन सा है, उसके सामने लगी नहीं रहती सारी रेडियां है, हो गए सारे। तो वहां पे रेडियां लगी रहती थी, पूरा बटाला खड़े होके खाया जा रहा है वहां पे, चलो ठीक है। सो अब आपका, अब सपोज किसी का मन करता होगा कि भाई मैं खाऊं जाकर गोलगप्पे खाऊं या टिक्की खाऊं या आइसक्रीम ही खा लूं, सपोज मन कर रहा है आपका, मगर आप डिवोटी हो, आपको पता नहीं खाना चाहिए, मगर किसी दिन आप बाइक पे जा रहे हो, आपने देख लिया और थोड़ा घूर के देख लिया बस, फिर आपका माइंड आउट, फिर आप कहीं भी सोचे जा रहे हो खा लूं खा लूं खा लूं खा लूं, तो फिर आपने रोक ही नहीं पाया और जाके खा लिया। अब प्रॉब्लम उसमें यह है, हरे कृष्णा ये कैसी ट्यून है, ये ट्यून तो पहली बार सुन रहा हूं, ठीक है मुझे बता, थोड़ी नर्सरी राइम की तरह, इसको इसको बंद बंद कर दो या इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ठीक है, कुछ बांसुरी लगा लो इसमें। अच्छा, भगवान का स्मरण भी आएगा, ये तो जैक एंजल का स्मरण है, जैक एंजल वेंट अप द हिल, क्या था, एनीवे यू सी द पॉइंट। तो आपने खा लिया जाकर, ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको रोकना है उसको, अभी तो मन जीत गया ना, आपको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि ये चीज खराब है। कन्विंस समझते हो ना आपको, कन्विंस कैसे कहते हैं हिंदी में, अपने आपको विश्वास दिलाना, आश्वासन अलग चीज होती है, वो कंसोलेशन होती है, आपको अपने आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि गलत है, अश्वस्थ अलग होता है, अपने आपको समझाना पड़ेगा कि गलत है नहीं पूरी तरह। तो कैसे समझाओगे अपने को, कैसे विश्वास दिलाओगे कि गलत है, वो ज्ञान से। आपको आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी कि गोलगप्पे खाने से कैंसर हो जाता है, या गोलगप्पे का पानी में वो नाली का पानी मिलाते हैं, बिना नहाए बनाता रहता है वो, तीन दिन नहाता नहीं कच्छे में, और ऐसे ही है बस, मोस्टली हलवाई तो ऐसे ही होते हैं ना, लंबा कच्छा और ऐसा होता है। So if you have that picture in your mind, कहोगे भैया मैं तो नहीं खा रहा, ये गंद। So you see, तो आपके मन ने मना कर दिया नहीं खाऊंगा, क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि आपके पास क्या था, ज्ञान आ गया। So इस संसार के जब आप दोष देखने लगोगे ना तो मन हट जाएगा यहां से, इसलिए संसार के दोष देखना बहुत जरूरी है, संसार के दोष ढूंढना। इसमें दोष तो है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के ख्याली पुलाव बना रहे हैं, दोष है, दोष है वहां, मगर हम जानबूझ के उसको अच्छा देख रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे में, मगर है बुरा वो। तो आप ज्ञान से, आप ज्ञान के आंखों से आप देखने लगोगे कि देखो इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, मन कहेगा छोड़ो, क्योंकि मन मन गंदी जगह जाता ही नहीं है, नहीं मन उस जगह जाएगा जो अच्छी है, या उस जगह जाएगा जो आपने सोचा है अच्छी है, हो सकता है अच्छी नहीं है मगर आप सोच रहे हो अच्छी है तो मन जाएगा। मन का स्वभाव है अच्छी चीज लेना और बुरी चीज छोड़ देना, है नहीं, अगर आपको गाली दूंगा तो आप छोड़ दोगे, आगे बड़ाई करूंगा तो आ जाओगे। तो इसलिए आजकल कॉन्सेप्ट है ना, आजकल कॉन्सेप्ट कहते हैं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, तो पॉजिटिविटी थी, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो ठीक है, तो बस तरीका यही है, ज्ञान चक्षुओं से। और भगवान गीता में कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषान उदर्शनम, नॉलेज दोगे तो हो जाएगा। तो आपका मन क्यों भागता रहता है,
जानते हुए भी क्यों गलत करते हो? क्योंकि अज्ञान है, किताबें नहीं पढ़ी, नॉलेज नहीं है। अब वही हम दे रहे हैं आप अपने भक्तों के साथ, जैसे जैसे नॉलेज आएगी ऐसे ऐसे आपको पता लग जाएगा कि भैया छोड़ो यार ये सब बेकार की बातें, छोड़ो सब, पैसे नहीं कमाएंगे, हो गया बस, हो गया खत्म हो गया, या खत्म हो गया एक्चुअली, खत्म भी करना है, इट्स अ टाइम। सो यू सी द पॉइंट, सो दैट्स अ पॉइंट देयर। ओके, इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क, बाद में पूछ सकते हैं मुझसे। और हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।